मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मंगलवार को आबकारी विभाग की एक और बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। डिप्टी कमिश्नर अजय शर्मा के निर्देशन में सहायक आबकारी कंट्रोलर भोपाल HS गोयल के नेतृत्व में जिला आबकारी बल ने बैरसिया में 3 स्थानों पर दबिश देकर 5 प्रकरण दर्ज किए। साथ ही 80 लीटर हाथ भट्टी शराब एवं 150 लीटर महुआ लाहन बरामद कर आरोपी राकेश पंजाबी को 10 लीटर हाथ भट्टी शराब के सहित गिरफ्तार किया। इसी के साथ भोपाल के फंदा क्षेत्र में भी पंजाबी ढाबे से 16 पाव देशी प्लेन शराब बरामद कर आरोपी मनोज सूर्यवंशी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया। रायसेन रोड पर ग्राम पड़रिया में आरोपी जगन्नाथ से 12 पाव देसी शराब बरामद कर प्रकरण दर्ज किया। भोपाल जिले के गांधीनगर नई बस्ती क्षेत्र में सामूहिक दबिश देकर कुल 4 प्रकरण दर्ज कर 35 लीटर हाथ भट्टी शराब एवं 400 लीटर लाहन भी बरामद किया। आरोपी अक्षय को 10 लीटर हाथ भट्टी शराब सहित गिरफ्तार किया गया। इस कार्रवाई में जिले के अधिकारी एवं स्टाफ मौजूद रहा।